नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है और आज सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 11 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और इसी का आंसर की जाइए कह लें कि सोल्यूशन हम आपको आज के इस वीडियो में कराएंगे। हालांकि हमारे पास ये बुकलेट नंबर सेट नंबर ए है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट से कोई अंतर नहीं होता है, बस क्वेश्चन का जो ऑर्डर रहता है वो केवल चेंज रहता है, बाकी क्वेश्चन सबके लिए सेम रहता है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसका आंसर टिक कराते हुए चलूंगा, तो आप लोग अपना बुकलेट ओपन कर लीजिए और आप लास्ट तक देखिएगा और बाद में आप जब बुकलेट से मिला लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है विथ कैटेगरी, ताकि जल्द से जल्द आप सबके लिए हम एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हालांकि लास्ट में हम एक सेफ स्कोर क्या होगा उसका भी हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो एंड तक बनी रहेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कृत्य या चूक को जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा दंडनीय है वो कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाप यानी कि ऑफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 2D के तहत शिकायत CRPC के अनुसार यानी कि कंप्लेंट एज अ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी, इट्स मीन या तो लिखित या तो मौखिक, यानी कि आइदर इन रिटेन और ओरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर कि एक जमानत अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा यानी कि अदालत द्वारा, ठीक है, बाई द कोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी न्याय के निर्णय आदेश आदि की अवहेलना होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यायालय की अवमानना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में कानून का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जनमत यानी कि पब्लिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा में शामिल जो है इसका राइट आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है सातवां कि वह व्यक्ति जो मूल दस्तावेजों की प्रतियों को सत्यापित करता है ताकि उन्हें प्रमाणित किया जा सके कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा नोटरी पब्लिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो हल्फनामा या बयान देता है कहलाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवादी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर इनकम टैक्स इज अ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, इट्स मीन कि प्रत्यक्ष कर जो है। अगला क्वेश्चन दसवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कानून का बाध्यकारी स्रोत नहीं माना जाता है, वो आपका होगा मिसाल, ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि 1950 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बारहवां नंबर कि हमने मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को किससे लिया है यानी किस से लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सोवियत संघ का संविधान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा होगा, इट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट। हालांकि इसको ये गलत है, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद द्वारा यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है चौदहवां नंबर कि वह आयु जिस पर एक राष्ट्र भारतीय राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है, तो इसका 35 होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपको कराए गए हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पंद्रहवां नंबर, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को कितनी बार लौटा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा एक बार यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है, तो ये नेपाल और भारत के बीच में किया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां नंबर कह रहा है कि 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपका सऊदी अरब करेगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण खाद्य कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तो ये आपका 5 वर्ष होगा, इट्स मीन इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका नागालैंड में किया गया, ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा यानी कि BR कंबोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां कि भारत में पहली पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू होगा, तो आपका गुजरात में शुरू होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वां कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोंचर पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ठीक है, क्रिस्टोफर
नोलन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका विशाखापट्टनम में किया गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन था, तो ये आपका जापान था, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस राज्य में राज्यसभा सदस्य चुना गया है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ओडिशा, ऑप्शन डी राइट होगा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिए गए हैं, तो ये 19 बच्चों को दिए गए, इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28वां कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन इस राइट होगा। और 29वां क्वेश्चन वैश्विक भूख सूचांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, यानी कि इंडिया कौन सा स्थान मिला है, तो आपका 111वां। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इंडिया ने 107 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके अरिंदम बागची को ये नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है किस राज्य के जपी एक पारस्परिक सक्वार टोपी को GI टैग दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि असम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ शुरू किया गया, तो आपका हैती में शुरू किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिलाओं का जो है सिंगल्स खिताब किसने जीता है, तो आपका आयरन जो है सबालेका ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है कह सकते हैं, तो इसका सबलपुर में होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 36 वाला कि किस देश के क्रिकेट बोर्ड को हाल ही में ICC द्वारा निलंबित किया गया है, तो आपका श्रीलंका होगा, यानी कि श्रीलंका को निलंबित किया गया है जो है ICC द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 37 नंबर कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने सुरक्षित सर परियोजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर आपका UP होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समागम आर्ट फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने एशियाई खेल 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 28 जीते हैं। अगला क्वेश्चन 40वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान यानी कि इंडिया का 40वां स्थान था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात नहीं था, तो लोहा ज्ञात नहीं था, तवा ताश और जाति जो है ज्ञात था। गोवा का मुक्ति दिवस कब है, तो माफ करिए, कह रहा है गोवा का मुक्ति दिवस कब है, तो ये 1961 दिया है, यानी कि 1961 इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, वास्तुकला का विकास किस शासनकाल में चरम पे था, तो आपका गुप्त में, यानी कि गुप्ता पीरियड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45वां यानी कि 45 कि निम्नलिखित में से किसे उपनिषदों और भगवत गीत का फारसी में अनुवाद किया है, तो दारा शिकोह ने किया है, इसका सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है, तो आपका RBI है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो यहाँ पे लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48वां कि भाई विश्व में लंबे रेशे वाले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका चीन यानी कि चाइना होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49वां कह रहा है कि भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया, तो ये आपका डिंगबोई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के किस नाम से, यानी कि गंगा को, माफ करिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका पद्मा होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके कराए जा चुके हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 91 भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी की है, तो ये आपका गोदावरी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, आपके गुटनबर्ग ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, वो आपका नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो इसका राइट आंसर आपका पेरिस होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका ये एरियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 वाला कि महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है। तो महाराष्ट्र का पुराना नाम इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस राइट होगा, यानी कि नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, यहाँ का महानदी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था, या आपका 1968 में किया गया था, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो संकेतों का प्रसार किससे बहुत बढ़ जाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका होगा आयनोस्फीयर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका पुणे में किया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और भारतीय, अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपनी जो मित्सुबिशी के लिए ऑटोमोबाइल बनाती है, तो ये आपका राइट आंसर आपका होगा टाटा मोटर्स, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अल्फाट बे शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो आपका ग्रीक होगा, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका बेरी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी क्वेश्चन कई बार करा चुका है, तो आपका डी इसका राइट आंसर, यानी कि सारनाथ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो ये आपका अप्सरा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल डॉग जो है मिलेनियर्स ने कितनी श्रेणियों में ऑस्कर जीता है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है जावा किसका उत्पादन है, उत्पाद माफ करिएगा, तो ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जावा इज अ प्रोडक्शन ऑफ, इसका होगा माइक्रोसॉफ्ट का। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो आपके रेडक्लिफ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस और रिपीटेड है, कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 वाला कि भारत की 3 सशस्त्र सेनाओं में से सबसे युवा कौन सी है, तो आपका वायुसेना होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और अगला, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका बर्था वान सटनर, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का 90% चावल किस महाद्वीप से उगाया जाता है, तो आपका एशिया होगा, एशिया का मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल सेब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल के को सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, तो आपका लॉर्ड विलियम वैटिक को सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ स्थित है, भाई ये हैदराबाद में है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो आपका गोंडा है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो आपका INS सल्की, ठीक है, INS सल्की होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका राज कौन सा है, तो आपका ब्राजील है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो आपकी 1917 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक ब्याज, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है वार्षिक ब्याज कितनी होनी चाहिए कि एक धनराशि 8 वर्षों से दोगुनी हो जाए, तो इसका राइट आंसर होगा जो है 12.5%, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी जो है स्थित पानी में, यानी कि स्थिर पानी में 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है, नदी के ऊपर की ओर चढ़ने से उसे नीचे की ओर आने में दोगुना समय लगता है, धारा की गति कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी, यानी कि 4 होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये भी क्वेश्चन आपका एवरेज का है, कह रहा है 83 वाला कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलो है, यदि ए और बी का औसत वजन जो है 40 किलो है और बी और सी का औसत वजन 43 यानी कि 43 किलो है, तो बी का वजन कितना होगा, तो इसका बी का वजन होगा जो है 31, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही शब्द चुने जिसका विपरीत अर्थ हो, तो ये प्रशंसा होगा क्योंकि आलोचना अवमूल्यन और तिरस्कार एक अलग है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर 3 है, तो संख्याओं कौन सी होगी, तो आपका 9 और 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कह रहा है कि गोले का आयतन उसके सतह क्षेत्रफल के बराबर है, गोले की त्रिज्या कितनी है, तो इसकी होगी 3, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48, 32, 24 इसका अगला पद, यानी कि अगला स्थान, यानी कि अगले स्थान पर क्या आएगा, तो यही 20 आ जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि जो है 27 जो है गुड़ते 39 और बराबर करेंगे, तो इसका मतलब इक्वल करेंगे, तो 783, तो 0.27 गुड़े 290 का क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसका सी आएगा, यानी कि 78.3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 20 मीटर कपड़ा बेचकर
जो है 20 मीटर कपड़ा बेचकर ए ने 10 मीटर का बिक्री मूल्य प्राप्त किया, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका 50% होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहना है कि शहर की जनसंख्या 3500 है तो बढ़कर 4250 हो गई, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो आपका 21.42 हुआ है भाई, ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पेन की कीमत 30 रुपये है तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी भाई? तो इसका राइट आंसर आपका 45 होगा, ऑप्शन जो है सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपाते जो है बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 24 जो है अनुपाते जो है इसका आ जाएगा 35, ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीने इलाही की स्थापना किसने की थी? इसने अकबर ने की थी, यानी कि अकबर ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज कितनी उम्र तक पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 साल। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको कराया जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पीलिया किस रोग का लक्षण है? तो आपका यकृत के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल भाई कौन सा है? ये आपका कमल है, यानी कि लोटस है। के बेसिक से सवाल आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जगह फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है? तो आपका उत्तराखंड ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित? तो आपका बैडमिंटन ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक औसत वयस्क में प्रति मिनट हृदय की धड़कने की संख्या कितनी होती है? तो 72 होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सा और ईजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतिम कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें जो है ऐसा माना गया है हमारे टीचर्स द्वारा कि इसमें आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो कह रहा है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांगो जो है, कांगो इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं विद्यापीठ इसको क्या कंसीडर करता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा कांगो CONGO जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये 100 प्रश्नों का सलूशन था। ध्यान दीजिएगा सेट नंबर भले हमने ए कराया है, मतलब सेट नंबर ए, लेकिन सेट ABCD में बस क्वेश्चन का सीक्वेंस बदलेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इससे मिलान करने के बाद आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि अगर आप हमसे पूछेंगे कि सेफ स्कोर, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 70+ क्वेश्चन जिसका सही हो रहा है वो एक सेफ जोन में है। हालांकि आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज आपका कितना स्कोर आ रहा है विथ कैटेगरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग जल्द से जल्द आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।